हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है हरियाली तीज, तो सबसे पहले सबको आप सब मतलब हैप्पी हरियाली तीज। और ये देखो मैंने मेहंदी, जहाँ से मेरा व्लॉग ख़त्म हुआ था मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ मैं बैठी। और मैंने अपने कपड़े निकाल रखे, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये पहनूँ या साड़ी पहनूँ, ये मेरी ड्रेस। वैसे मैंने ये पहन रखी है, पहले भी पहनी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है मतलब नया ग्रीन पहनने के लिए, कुछ अलग से पहनूँ। साड़ी भी मेरे पास, साड़ी तो एक भी नहीं है ग्रीन, मम्मी की है, मम्मी से ही मांगनी पड़ी है। मतलब सोच रही हूँ कि पहनूँ या ना पहनूँ, अभी इसको ना प्रेस करनी है, ऐसे सुखड़ा सुखड़ा सा जिप सा हो रहा है, ऐसे ही रखा था ये, तो अभी प्रेस का आलस आ रहा है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं शाम को तैयार हूँ या अभी तैयार हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ तैयार हो जाते हैं शॉप के लिए, बाकी फास्ट वगैरह कोई नहीं रखता, कुछ नहीं होता, मतलब बस तैयार हो जाते हैं शॉप के लिए। तो बस वही सोच रही हूँ शाम को तैयार होकर फोटोज़ और वीडियोज़ ही तो लेने, तो अभी तैयार होंगी या बाद में, क्योंकि मैंने रात भर सोई भी नहीं थी। मैं मतलब कल रात भी नहीं सोई थी, लाली सुबह 4 बजे सोई थी कल रात, फिर दिन में भी लाली ने बिल्कुल नहीं सोने दिया, फिर आज रात में लाली को फीवर आ गया, तो आज रात भी नहीं सोई। अभी मैं सुबह के टाइम में 2-2.5 घंटे सोई हूँ। और गाइस ये हाथ पे तो मैं मेहंदी लगा ही नहीं पाई, क्योंकि लाली की वजह से मैंने लगाई रात में। मैंने कहा रात में पूरे बेड पर लाली सो गई पास में, वो ऐसे करती रहती है पूरा बिगाड़ दी थी, तो इससे अच्छा लगाई मैं, क्योंकि इतनी जल्दी सूख नहीं पाती तो, और लाली भी 2-2.5 घंटे तक जगती है, तो इसीलिए फिर मैंने लगाई नहीं। ये देखो ये लाली की बुआ रात को लेकर आई थी, लाली का बर्थडे आ रहा है ना, तो उसके लिए कितनी क्यूट लग रही है। मतलब छोटे छोटे बच्चों की ना हर चीज़ एकदम क्यूट क्यूट से आती है, बहुत प्यारी लग रही है। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, और यहाँ पर दीदी लगा रही है मेरे महावर। दीदी नहीं, मम्मी की लगाया था, दीदी मेरे लगा रही है, क्योंकि मेरे को आता नहीं है, मतलब आता तो है लेकिन बिगड़ जाता है, मेरे हाथ हिलते हैं, तो इसलिए मैं फिर लगाती नहीं, पूरा टेढ़ा मेढ़ा सो जाता है और बेकार लगता है फिर वो, जब तक तो सफाई नहीं आती ना तो फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे। मतलब अच्छी तरह से लगाओ, दीदी इतने अच्छी तरह से लगा रही हैं तो उनका अच्छा लग रहा है एकदम, वो धीरे धीरे और ऐसे लगाती हैं, तो बस इसीलिए मैं इनसे लगवा रही थी। और पहले मेरा मन नहीं था कि चलो नहीं कर रही, लेकिन फिर बाद में मेरा, मैंने सबके फ़ोटोज़ देखे, स्टेटस देखे, तो फिर मेरा भी मन करने लगा, मैंने कहा चल हो जाती हूँ तैयार। और ये देखो यहाँ पर लग गया मेरा महावर, महावर लगा के बड़े अच्छे लगते हैं पैर। और यहाँ पर ये देखो ये पहले सो गई थी जब तक तो महावर लगाया था, और जैसे ही मतलब लगा ये जग गई लास्ट टाइम पर, और बोतल वगैरह रखी थी मेज पर तो उनको पकड़ने की कोशिश होने लगी, तब मम्मी ने फेस की पोयम चलाई, तो देखो कैसे डांस कर रही है। और यहाँ पर ये वीडियो है सुबह की, ये वीडियो मेरे पास थी नहीं, दीदी के फ़ोन में बनाई थी, सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, तो मतलब सोई नहीं थी मैं पूरी रात लाली की वजह से, तो मैंने सुबह सुबह ये वीडियो बनाई थी। इतना प्यारा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, तो ये तब की वीडियो मैंने अब डाल दी है, क्योंकि दीदी ने अभी मेरे को सेंड करी थी, तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी डाल देती हूँ। और यहाँ पर अभी मतलब शाम के टाइम में मैं, दोपहर में मैंने महावर वगैरह लगा के सब वैसे तो तैयार हो गई थी, कपड़े वपड़े फिर भी नहीं पहने थे, लेकिन शाम को फिर मैंने कहा चलो अब पहन लेते हैं। और मैं ना छोटा वाला मंगलसूत्र ज़्यादा पहनती हूँ, मैं बड़ा वाला नहीं पहनती हूँ, लेकिन ये बाहर ही रखा था तो मम्मी ने दे दिया कि ये पहन ले ये पहन ले, तो ज़बरदस्ती दे के चली गई, तो फिर मैंने कहा चल ये वाला पहन लेती हूँ, वरना मैं छोटा ही अच्छा लगता है मुझे, मुझे बड़ा वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं बिल्कुल नहीं पहनती, कभी नहीं पहनती, लेकिन जो अब मम्मी ने दे दिया था तो फिर मैंने पहन लिया। और यहाँ पर मैं अपने इयररिंग पहनने की कोशिश कर रही थी पर मेरे से हुआ ही नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी हुआ नहीं, लेकिन डर लगता है ना सोना होने का चीज़ ऐसे, मतलब ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते टूट टट जाए, तो इसीलिए फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चल बाहर जाके दीदी पहना देंगी, मैं बाहर जाके पहन लूँगी, तो अभी मैं कर रही हूँ चोटी। Thank you.
और चोटी ना मैं बहुत कम करती हूँ, मैं हमेशा चूड़ाई बनाकर रखती हूँ, तो मेरे को अच्छी नहीं लगती। मतलब अच्छी लगती है लेकिन लंबे बाल ना तो फिर बाल निकल जाते हैं, कहीं कहीं छोटे भी हैं तो फिर वो चुभते हैं, इसीलिए फिर मैं चोटी करती नहीं हूँ। तो मैंने मतलब चूड़ाई लगाती हूँ मैं डेली में, लेकिन आज फिर मैंने थोड़ा सा मैंने कहा चल चेंज करते हैं, तो इसीलिए। और पहले मैं तैयार हो नहीं रही थी, मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी। और जब फिर मैंने सबके स्टेटस देखे, फोटोज़ देखे, सबने लगा रखे थे, तो फिर मैं भी होने लगी। मैंने कहा चल मेरा भी मन करने लगा कि चलो ठीक है अब मैं भी तैयार होती। पहले मन नहीं था, लाली बीमार थी, मैंने कहा चल अब नहीं हो रही, अब मन नहीं है। लेकिन फिर बाद में मैंने कहा चल हो जाते हैं। और वैसे भी तैयार होके मतलब फास्ट वगैरह तो कुछ रखते नहीं है, तो ऐसे मतलब ज़रूरी नहीं है कि तैयार ही होना है या कुछ भी है, लेकिन शौक के लिए मतलब फ़ोटोज़ वोटोज़ खींच लो शौक के लिए अपना हो जाते हैं। तो बस इसीलिए मैं तैयार हो गई, और तैयार होकर कुछ नहीं किया मैंने, फ़ोटोज़ खींचे, वीडियोस बनाई, बस उसके बाद में उतार दी है। मेरे से नहीं पहने जा रहे थे, मैंने कहा चल मम्मी बोल रही अब पहन ले, मैंने कहा मैं नहीं पहन रही। और ये देखो ये यहाँ पर बना रही है चाय। देखो गाइस अभी मैं तैयार हुई थी, ये देखो मैं इसीलिए कुछ पहनती नहीं हूँ, कुछ नहीं छोड़ती कुछ भी, कभी चूड़ी कभी कुछ कभी कुछ, हर चीज़ मुँह में जा रही है। अब इसके नहीं गंदा है छोड़ो, मैं आ गया। देख कैसे कभी बुआ को देख के, मैं आ गया। मंगलसूत्र खा रही है मेरा, वो तो फेवरेट काम है, और कुछ मिलता ही नहीं है इसको, छोड़ छोड़ना मैं आज। और शाम को हम दोनों माँ बेटी की हो गई थी पागलपंती शुरू, क्योंकि इसको फीवर आता तो ये चिड़चिड़ कर रही थी, तो मैं इसको खिलाने लग गई थी। मैंने कहा चल थोड़ी देर मतलब खेल लेगी, ऐसे ही मैं इसको बहला रही थी कि मतलब ये रह ही नहीं रही थी बिल्कुल भी, ऐसी कर रही थी, तो इसीलिए तो मैं इसको डांस करवा रही थी, इसको ऐसे डांस करवाओ या कुंदाओ या कुछ करो तो ऐसे बड़ी खुश होती है, तो इसीलिए मैं इसके साथ यही सब कर रही थी। मैंने कहा चल ठीक है। तो गाइज़ अभी हो रहा रात का टाइम, और मैं कर रही हूँ इस वीडियो का यहीं पर एंड। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।